दोस्तों 5 मिनट में आपके चेहरे को गोरा और खूबसूरत बना देगा ये रेमेडी। धूल मिट्टी और गंदगी को हटा देगा, आपके चेहरे को ग्लोइंग और ब्राइट बना देगा ये नुस्खा। और खासकर जब आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन इंस्टेंट फेयर हो जाए और आपका स्किन ग्लो करे, तो ये रेमेडी आपके स्किन की डीपली सफाई करके आपके स्किन को इंस्टेंट फेयर करेगा, आपके स्किन पर ग्लो लाएगा और साथ ही आपके चेहरे पर गजब का निखार लाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चम्मच कॉफी को ले लीजिए। अब हमें इसमें एक चम्मच बेसन को ऐड करना है दोस्तों। अब हमें इसमें एक चम्मच नारियल तेल को ऐड करना है दोस्तों। अब हम इसमें एक चम्मच रोज वाटर को ऐड करेंगे दोस्तों। और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है दोस्तों। अब इस पैक को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से या रोज वाटर से क्लीन कर लीजिए। अब इस पैक को आप किसी ब्रश के हेल्प से या अपने हाथों से इस तरह से अपने चेहरे पर लगाइए। दोस्तों कॉफी एक बहुत ही बढ़िया स्किन एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन को, टैनिंग को और धूल मिट्टी गंदगी को बाहर निकालने में काफी इफेक्टिव होता है। कॉफी के इस्तेमाल से डलनेस और डार्कनेस रिमूव होते हैं और हमारी स्किन गोरी और चमकदार दिखने लगती है। बेसन जो होता है दोस्तों ये हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारे स्किन से दाग धब्बों को हटाता है, हमारे स्किन को लाइटन करता है और साथ ही ये बहुत ही अच्छा फेस पैक का काम करता है। जब ये आपके चेहरे पर अच्छी तरह से लग जाए तो इस तरह से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। इस तरह से 5 मिनट तक मसाज करने से हमारे स्किन के सभी डेड सेल रिमूव होते हैं और हमारी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट बनती है। इस तरह से 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करने के बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आपको अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना है। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए दोस्तों आप इस फेस पैक को वीक में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों आप इस पैक को जरूर ट्राई करें। ये पैक आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देगा, आपके स्किन को सॉफ्ट स्मूथ और ब्राइट बनाएगा और साथ ही आपके स्किन टोन को भी लाइटन करेगा। देखिए दोस्तों एक बार में स्किन कितना क्लीन और ब्राइट हो गया है। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रेडियंट रुचिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।